हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। ग्रुप फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप समरी रिजल्ट की बात करते हैं, अपने डेटा को समरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो हम लोग ग्रुप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में आप देख सकते हो, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सिंगुलर फंक्शन एन नंबर ऑफ रोज इनपुट लेता है तो वो एन नंबर ऑफ रोज एज अ आउटपुट रिटर्न करता है। कॉन्ट्री टू सिंगल रो, ग्रुप फंक्शंस एन नंबर ऑफ रोज एज इनपुट लेगा और वो सिंगल रो रिटर्न करता है, वन रो। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास तीन एम्प्लॉयज़ हैं, आकाश, विपिन, सुमित। इन टोटल इनकी सैलरी का अगर मैं टोटल निकाल रहा हूँ, एक समरी रिजल्ट है ये, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग एक फंक्शन का यूज़ करेंगे सम, जो कि ग्रुप फंक्शन है। उसने तीन रो एज इनपुट ली और आउटपुट में हमें सम रिटर्न किया सैलरी का। इसी तरह एक और फंक्शन है मैक्स। इन तीनों की सैलरी में सबसे ज्यादा जो मैक्स सैलरी है वो सुमित की है, 4200। तो उसने रिटर्न किया 4200। तो ग्रुप फंक्शन हमें किसी टेबल का समराइज डेटा एक्सेस करने के लिए जो है हमारा ग्रुप फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से ग्रुप फंक्शन होते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे पास पांच मेजर हमारे पास यहाँ ग्रुप फंक्शंस हैं। मैक्स, टू गेट द मैक्सिमम ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ अ स्पेसिफिक कॉलम रिकॉर्ड। मिनिमम, मिनिमम गेट करने के लिए। एवरेज, जो भी उसका टोटल का जो एवरेज आएगा वो गेट करने के लिए। काउंट, यानी नंबर ऑफ हमारे पास उसमें कितनी रोज हैं वो एक्सेस करने के लिए। सम, यानी जो भी कॉलम हमने उसमें दिया उसका टोटल हमें फैच करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। देखिए, ग्रुप फंक्शन के साथ एक रिस्ट्रिक्शन भी जुड़ी होती है कि ग्रुप फंक्शन के साथ आप कोई कॉलम सेलेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने सम ऑफ सैलरी लिया है, आकाश, विपिन एंड सुमित का जो टोटल सैलरी है वो यहाँ पे आया है, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम किसी एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक सही रिजल्ट नहीं होगा, एक ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं होगा और जो यूज़फुल नहीं है। तो जब भी हमें कोई ग्रुप फंक्शन इस्तेमाल करना है तो हम किसी कॉलम का नाम तब तक नहीं दे सकते जब तक वो ग्रुप बाय क्लॉज में नहीं है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपको ये चाहिए कि मुझे एम्प्लॉयज़ को टोटल सैलरी कितना देता है, आपका कंपनी कितनी सैलरी देती है टोटल। तो आपको यहाँ पे देखना है, सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, राइट? तो ये क्वेरी क्या करेगी, ये ग्रुप फंक्शन क्या करेगा, ये सारी सैलरी का टोटल करके आपको रिटर्न कर देगा, राइट? यहाँ पे आप एक एलियस दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एस सम, ओके? तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपकी एम्प्लॉयज़ टेबल के सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी का टोटल। बट अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ सेलेक्ट नेम कॉमा सम ऑफ सैलरी, तो ये एक इनसेंसिबल क्वेरी है। आप सोचो यहाँ पे इस टोटल के आगे किस एम्प्लॉय का नाम दिया जाए, वो सेंसिबल नहीं है। और तो ये सेंसिबल होने के साथ साथ पॉसिबल भी नहीं है। आप किसी कॉलम का नाम किसी ग्रुप फंक्शन के तहत तब तक नहीं दे सकते हो जब तक वो ग्रुप बाय क्लॉज में ना हो। ग्रुप बाय क्लॉज हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे, ग्रुप बाय नेम। यानी वो ये बोल रहा है कि सम ऑफ सैलरी करो और ये सारे एम्प्लॉय टेबल की सैलरी का सम नहीं करना है, हमें एम्प्लॉय नेम का ग्रुप करना है। यानी अगर किन्हीं दो एम्प्लॉय का नाम सेम होगा तो वो सम कर देगा, उसका एक ग्रुप बना देगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इस केस में वो क्या करेगा, सबकी इंडिविजुअल सैलरी दिखा देगा, जो कि एक हमारे जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं है। हमें क्या देखना है, सम ऑफ सैलरी, यानी टोटल सैलरी, सैलरी ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज, राइट? तो जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ पे ग्रुप बाई में जब तक जो कॉलम नहीं देंगे तब तक वो यहाँ सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप ग्रुप बाई में कुछ सेंसिबल कॉलम देंगे तो वो आपके एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा जो आपके काम का होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में टोटल कितनी सैलरी है। तो ये एक
एक ऑथेंटिक, एक जेन्युइन और एक रिक्वायर्ड रिजल्ट हो सकता है कि हमें डिपार्टमेंट आईडी चाहिए और उस डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी हमको देखनी है, राइट तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो हर डिपार्टमेंट की सैलरी का टोटल आ रहा है ना। यहाँ पे देख सकते हो एक ऐसा डिपार्टमेंट भी है, नल डिपार्टमेंट भी है, जिसकी सैलरी जो है यहाँ पे वो दिखा रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे NVL का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब भी आपको नल वैल्यू से हैंडल करना हो तो आप NVL फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कहा कि सम करो सैलरी का, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज, यानी डिपार्टमेंट 10 में जो टोटल सैलरी है 31,000 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। लेकिन हमें डिपार्टमेंट नेम देखना है, तो यहाँ डिपार्टमेंट नेम तो इस टेबल में है नहीं हमारे पास, तो हम लोग जॉइनिंग और ग्रुप फंक्शन साथ में यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ई इनर जॉइन डिपार्टमेंट्स डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नेम, राइट। ज्वाइनिंग करने के बाद ऑब्वियसली जिस एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट नहीं है वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने इनर ज्वाइन अप्लाई की है, तो वहाँ पे ये वाला डिपार्टमेंट हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट डिपार्टमेंट में हम लोग ये सैलरी बांट रहे हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट में ये सैलरी बांट रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में ये सैलरी बांट रहे हैं। आप ये देखना चाहते हो कि ऐसा कोई एम्प्लॉय है क्या जो किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, तो हमें उसकी सैलरी का भी टोटल देखना है। तो हम लोग इनर जॉइन की जगह यहाँ पे क्या यूज़ कर ले, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट। लेफ्ट आउटर जॉइन से क्या होगा, जो रिकॉर्ड रह गए थे वो भी आ जाएंगे, और यहाँ पे 11,000 जो है एक ऐसा एम्प्लॉय है जो किसी डिपार्टमेंट में नहीं है वो यहाँ पे आ रहा है। सम करने के साथ साथ आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सम किया, यहाँ पे हम लोग मैक्स ऑफ सैलरी भी निकाल सकते हैं एज मैक्स, यानी उन एम्प्लॉयज में सबसे ज़्यादा सैलरी क्या है, मिन ऑफ सैलरी भी निकाल सकते हैं एज मिन, एंड एवरेज ऑफ सैलरी भी निकाल सकते हैं एज AVG, एंड काउंट भी कर सकते हैं एज काउंट, राइट। यहाँ पे आप एलियस कुछ भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ सैलरी निकाल रहे हैं, मैक्स ऑफ सैलरी, मिनिमम सैलरी, एवरेज सैलरी और काउंट ऑफ द सैलरी, कितने काउंट हैं हमारे, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन हमने इसे ग्रुप किया हुआ है डिपार्टमेंट नेम से, यानी ये जो समरी होगी ये डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग होगी, यानी ये पूरी टेबल का डेटा ग्रुप नहीं करेगा, ये डिपार्टमेंट वाइज डेटा को ग्रुप करेगा, ठीक है। चेक करते हैं इसको, कुछ गड़बड़ एक बार चेक कर लेते हैं, एवरेज क्या के कॉमा लगाना था हमें, क्लोज से, ओके। तो अकाउंट डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी इतनी है, मैक्स जो सैलरी मिल रही है वो इतनी है, मिनिमम इतनी है, और एवरेज ये सैलरी है अकाउंट डिपार्टमेंट में, ओके, नॉट इन द होल एम्प्लॉयज टेबल। अकाउंट डिपार्टमेंट में जो सैलरी है वो 9800 जो है ज़्यादा है, आप देख सकते हो डिपार्टमेंट 20 जो है अकाउंट है उसमें 8900 और 9800 सैलरी जा रही है, तो 9800 अकाउंट में ज़्यादा है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखें रिसर्च में जो मैक्स सैलरी है 12,000 है, और ये तो एक ही रिकॉर्ड है, तो उसमें एक ही मैक्स, एक ही मिन और एक ही एवरेज है, और यहाँ पे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। आप एडिट करके आप सैलरी की जगह एस्ट्रिक भी लिख सकते हो, यानी सारे कॉलम भी यहाँ पे, सारे रिकॉर्ड जो है काउंट करेगा वो, है ना। तो यहाँ पे ग्रुप फंक्शंस में आप देख पाए, जब भी हमको एक समराइज डेटा चाहिए होता है तो हम लोग ग्रुप फंक्शन का यूज़ करते हैं, और किसी भी ग्रुप फंक्शन के साथ आप कोई कॉलम तब तक सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक वो ग्रुप बाय में ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कॉलम यहाँ पे दे दें, हमको रिजल्ट भी सेंसिबल चाहिए होता है, जैसे डिपार्टमेंट की सैलरी एक सेंसिबल रिजल्ट है जिसको हमें एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। गाइस, मैं आपको एक क्वेरी के थ्रू, एक वेब रिजल्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये आपको कहाँ रिक्वायर्ड होगा।
जैसा कि लास्ट क्वेरी में भी मैंने आपको दिखाया था, ये एक मैंने ह्यूमन रिसोर्स का पोर्टल बनाया हुआ है, मैंने मैनेज एम्प्लॉय किया, और यहाँ पे हर एम्प्लॉय को इंडिविजुअली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और जब फाइनली रिपोर्ट आके देखते हैं तो सपोज़ हमको ये पंकज, हमने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया, तो पंकज की टोटल सैलरी 16,500 है, वो कितना ले चुका है 10,000, बट ये 10,000 दो बार में दिया गया, सो वी आर गेटिंग सम ऑफ द सैलरी राइट ग्रुप बाय मंथ नेम, सम ऑफ द सैलरी, यानी ये दो इंडिविजुअल रिकॉर्ड थे, इनका सम किया गया है। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हो ये 35,200 ये टोटल सैलरी का जो है सम है, जिसे ग्रुप फंक्शन की मदद से अचीव किया गया। आप किसी भी एम्प्लॉय को यहाँ पे सिलेक्ट करके एक बार देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये 14,000 पे है, तो ये चार बार में ये सैलरी दी गई है, लेकिन यहाँ पे हमारा सम आ रहा है, टोटल आ रहा है राइट। इसी तरह आप यहाँ पे देखो ये दो लीव दी गई हैं, यहाँ तो ग्रुप फंक्शन का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये सम ऑफ द सैलरी है राइट, ग्रुप बाय मंथ नेम, एंड दैट इज द सम ऑफ सैलरी ग्रुप बाय द एम्प्लॉय इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी पूरा सम हमने यहाँ पे किया है। तो ग्रुप फंक्शन का इस्तेमाल जब भी हमको समराइज डेटा चाहिए होता है तब हम करते हैं। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रुप फंक्शन के बारे में और चीज़ें, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, हैविंग क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम लोग रोलअप का यूज़ कर सकते हैं, उनका क्या इस्तेमाल है और उनको कैसे हम यूज़ करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।